राजधानी दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट इन दिनों भलसवा निवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप टू लगा दिया है, लेकिन बावजूद उसके भी प्रशासन लापरवाही देखने को मिल रही है। भलसवा इलाके में किस तरीके से खुले में तारों को जलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से कई फैक्ट्रियों से निकल रहा काला धुआं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, प्रदूषण का तो हमें जो है यहाँ इतना धूल मिट्टी गिरती है कि यहाँ नीचे फर्श पर भी ये जो है 1 mm जो है हमेशा जो धूल मिट्टी जो है ये घर में भी घुस जाता है, और हमें मजबूरी में मास्क लगाना पड़ता है। खांसी जो है हमें जो है जब से प्रदूषण होने लगा खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा इसे, और हम ये मास्क लगाते हैं तो खांसी नहीं होता। प्रदूषण लेवल तो यहाँ ज़्यादा रहता होगा। देखिए, अभी आपको दिखाई देगा ये धूल डस्ट जो है काफ़ी उड़ रहे हैं ये गाड़ी आने जाने से। मैं इसके बारे में निगम पार्षद से पर्सनल भी बोला था, ये थोड़ा सा इस पर पानी का छिड़काव कराते रहो, पूरे दिन में जो 2-3 बार करवा दोगे तो डस्ट नहीं उड़ेगा। और ये सारे डस्ट जो है ये पूरे झुग्गी एरिया है, यहाँ पूरे कॉलोनी में बाईपास आसपास के एरिया में काफ़ी जो है जाता है, तो इस पर जो है कोई एक्शन और कार्रवाई नहीं हुआ, पानी नहीं डल रहा, जिसकी वजह से एक तो हम धुआं से भी परेशान रहते हैं, यहाँ आए दिन जो है डेली जो है इस पर कोई प्रशासन काम ही नहीं कर रहा है। वहीं अगर लैंडफिल साइट की बात की जाए तो यह लैंडफिल साइट प्रदूषण का मुख्य केंद्र बनी हुई है, जिससे उड़ती धूल मिट्टी और धुएं की वजह से यहां लोगों का सांस लेना दुर्लभ हो चुका है। दिल्ली का भलसवा डेरे इलाका इन दिनों लोगों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत इसलिए बन गया है क्योंकि दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। सर, यहाँ की स्थिति तो जितना ज्यादा खा जाए उतना कम है। यहाँ के आए दिन ये सोचिए, एक तो हमारे आसपास में जगजीवन हॉस्पिटल है और यहाँ हॉस्पिटल की तो लाइन लगा रहता है, और यहाँ तक कि इतनी मरीज हो जाता है कि डॉक्टर भी इग्नोर कर देता है, कहता है कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि आए दिन इतने रोगी बीमारी इस खतरे से फैल रहा है, आंखें खराब हो रहा है, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ मतलब इस तरह की आती है समस्या, जिसके कारण से जनता पूरी परेशान है। ये तो पूरी प्रदूषण का है, पानी का है, गंदा पानी मिलता है, खत्ते का पानी, अगर हम हैंडपंप भी चालू करते हैं, अगर गड़वाते हैं तो हैंडपंप से भी इतनी गंदी पानी आती है, इतना गंदा पानी आता है जो कि अगर पैर भी अगर धोने के लिए दिया जाए तो वो नहीं धो सकता है, इतनी गंदी पानी आती है। तो ये अब प्रदूषण लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि हद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जी, यहाँ पर हालात कैसे हैं दिल्ली के? हालात तो हर जगह से सबसे ज्यादा दिल्ली की, यहाँ की हमारी डेयरी की इधर की खराब है। और दिल्ली के सामान्य प्रदूषण के मुकाबले में भलसवा लैंडफिल साइट के चारों तरफ जो प्रदूषण AQI है इन दिनों दुगना होता जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में जलन व सर में दर्द जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरिओम उपाध्याय है। देखो, यहाँ बहुत ही ज्यादा बेकार है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, और यह जो ये खत्ता है इसकी धूल मिट्टी इतनी उड़ के आती है कि लोग खाना पीना बनाने में भी दुश्वार होते हैं, क्योंकि यहाँ नजदीक बस्ती है, झुग्गी है, ये राजीव नगर है, सिरदानंद है, ये लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये जब उड़ती है रात भर सोने में जब डंपर आते हैं ना, धड़धड़ धड़धड़ मचाते, पूरी धूल मिट्टी उड़ती है, पर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई पानी छिड़का जा रहा, न कोई वो करे, वैसे कह रहा है कि हमने खत्ता बंद करा दिया, खत्ता खत्म करा दिया, और मैं कह रहा हूँ उससे डबल हो रहा है, उधर बाईपास की तरफ थोड़ा कटवा रहे हैं और इधर कॉलोनी की तरफ बढ़ाता जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये कितना पहाड़ है, देखो कितना बड़ा देखो, कितने चील कौए जो है, बहुत लेवल क्या रहता है, लेवल बहुत ज्यादा है, यहाँ 300 से 350 से भी ऊपर है जी, 300-400 के लपेटे में है, और यहाँ हमने तो अपने बड़े बूढ़े भी गाँव भेज दिए हैं, क्योंकि उनकी सांस की बीमारी हो रही है, आए दिन फेफड़ों में धूल मिट्टी उड़ रही है, कई कई लोग तो परेशान हो चुके हैं, सांस ले लेके कई होंगे तो बहुत बुरा हाल है, हॉस्पिटल में जाते हैं धक्के खाते हैं बड़े बूढ़े, क्योंकि हम लोगों को इतना दुखी हो गए इस प्रदूषण से बहुत ज्यादा। आज देखा होगा केजरीवाल जी की जो आतिशी है वो कोई ध्यान नहीं दे रही इस पर, वो बस दिखावा करती है रोडों पे, और यहाँ के जो कर्मचारी है ना तो रोड की कोई सफाई हो रही, न कोई धूल मिट्टी हो रही, न कोई पानी पे छिड़काव हो रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इन दिनों वह अपने बड़े बुजुर्गों को गांव में ही छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि यहां लगातार जो प्रदूषण है घर के बाहर तो छोड़िए घर के अंदर भी लोगों को परेशान करता है। वहीं इस उड़ती धूल मिट्टी और प्रदूषण के चलते लोग कई घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिस पर सरकार तो संज्ञान ले रही है परंतु प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली में ग्रैप 2 दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है,
लेकिन भलसवा लैंडफिल साइट पर गुजरने वाले भारी ट्रकों का धुआं धूल मिट्टी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जिस पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है और धूल का गुब्बार प्रदूषण का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये वही भलसवा लैंडफिल साइट है जिससे खत्म करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि एक साल में इस कूड़े के पहाड़ को हटा दिया जाएगा। इन दावों को करीब 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कूड़े का अंबार कम जरूर हुआ है, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भलसवा लैंडफिल साइट प्रदूषण का मुख्य केंद्र बनती हुई साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।